वन अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स का समाकलन ज्ञात करना। ऐसे फलनों का समाकलन ज्ञात करने के लिए b इक्वल टू आर कॉस अल्फा और c इक्वल टू आर साइन अल्फा रखते हैं, जिससे r इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तथा अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स c बाई बी मिलता है। तो इस प्रकार a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स इक्वल टू ए प्लस आर इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा साइन एक्स। सरल करने पर हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स इक्वल टू ए प्लस आर कॉस एक्स माइनस अल्फा। इस मान को हम रखेंगे और आगे सरल करेंगे। तो इस प्रकार हमें मिलेगा इंटीग्रेशन साइन 1 अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स dx इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस आर कॉस एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन a प्लस आर कॉस t। यहां पर हम प्रतिस्थापन का उपयोग किया है हमने, x माइनस अल्फा इक्वल टू t, तब dx बराबर dt। और इस प्रकार के समाकलन को, इस प्रकार के पदों का समाकलन या फलन का समाकलन किस प्रकार ज्ञात करते हैं यह पूर्व में हम देख चुके हैं, तो उसी विधि का उपयोग करके हम आगे सरल करेंगे। आइए देखते हैं इसे संबंधित प्रश्न। इसके बाद अभी जो हम प्रश्न हल करने वाले हैं ये प्रश्नावली है 7B.7 पेज नंबर 668। प्रश्न दिया गया है कि दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। फलन है 1 अपॉन 4 प्लस 5 कॉस एक्स। तो माना कि दिए गए फलन का समाकलन i है, तो ये हम लिखेंगे इंटीग्रेशन dx अपॉन 4 प्लस 5 कॉस एक्स। अब हम dx 4 के स्थान पर लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 है तो इसे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 5 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ये कॉस एक्स के बराबर होता है। तो अब इसे आगे सरल करने के लिए 4 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू यदि हम उभयनिष्ठ ले लें तो यहां पर आपको मिल जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1 और फिर प्लस साइन 5 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू यदि हम कॉमन लेंगे तो यहां पे मिलेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई। अब अंश और हर को कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से हम भाग दे देते हैं तो आपको मिल जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स अपॉन 4 इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1 प्लस 5 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब जब आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन साइन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स अपॉन कॉन्स्टेंट है ये 4 इंटू 1 और ये 5 इंटू 1 तो 4 प्लस 5 यहाँ से आपको मिल जाएगा 9 और फिर प्लस 4 माइनस 5 इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है इंटीग्रेशन साइन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स अपॉन 4 प्लस 5 9 और फिर ये माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। और फिर आगे इसको सरल करने के लिए हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और लिखेंगे कि माना टेन एक्स बाई टू इक्वल टू टी, तो आपको दोनों पक्षों का अवकलन करने पर मिल जाएगा 1 बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू टू टाइम्स डी टी मिल जाएगा, तो इसे आप लिख पाएंगे 2 टाइम्स डी टी अपॉन 9 माइनस टी स्क्वायर। और इस प्रकार के फलन का समाकलन आपने देखा है कि इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है इसे हम लिखते हैं 1/2a log of a plus x upon a minus x, इस सूत्र का उपयोग करेंगे और इसका समाकलन हम लिख सकते हैं। तो 2 into 1/2a एक स्थान पर है 3, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर, देन log a plus x, तो ये जाएगा 3 plus t और 3 minus t और फिर प्लस c, जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। अब इसका जो मान है t का मान उसे हम रख देते हैं, तो आपको मिल जाएगा i इक्वल टू, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल रहा है 1/3 इंटू log 3 प्लस tan ऑफ x बाई 2 अपॉन 3 माइनस tan ऑफ x बाई 2 प्लस c। ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है 1/2 प्लस साइन 2x, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो माना कि दिए गए फलन का समाकलन है i, तो इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन 2 प्लस साइन 2x। पूर्व प्रश्न में जैसे हमने सरल किया था उसी का उपयोग करेंगे, 2 के साथ में आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और फिर प्लस 2 टाइम्स साइन 2x को लिखा जा सकता है 2 साइन x cos x। आगे सरल करने के लिए 1/2 तो कांस्टेंट है, इसे हम समाकलन चिन्ह के पहले बाहर निकाल लेते हैं और फिर ये dx अपॉन, यदि आप cos स्क्वायर x को उभयनिष्ठ निकाल लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, तो आपको मिल जाएगा tan स्क्वायर x और फिर प्लस एक काम करते हैं इसको स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं और फिर यहाँ से यदि आप cos स्क्वायर x को बाहर लेते हैं तो मिल जाएगा साइन x अपॉन cos x, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं tan x। अब इसे सरल करने के लिए अंश और हर को cos स्क्वायर x से भाग दे देते हैं, तो आपको मिल जाएगा 1/2 1/cos स्क्वायर x, तो आपको मिल जाएगा sec स्क्वायर x और फिर ये dx, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा tan स्क्वायर x प्लस tan x प्लस 1। अब इसे सरल करने के लिए हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और लिखेंगे कि माना tan x इक्वल टू t, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, ये मिल जाएगा 1/2 sec स्क्वायर x dx के स्थान पर आप लिखेंगे dt और अपॉन है tan स्क्वायर x, तो ये आपको मिल जाएगा t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। तो इसे हमें आगे पूर्ण वर्ग में बदलना है और तो आगे हम इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, तो ये है टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 1/2, बी के स्थान पर है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 ऐड करेंगे और 1/4 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पद है ये हमें दे रहा है टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये मिल गया 1/2 इंटीग्रेशन साइन डी टी टी प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस ये मिल जाएगा 3/4, 3/4 को आप लिख सकते हैं रूट 3/2 का स्क्वायर, और जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये सूत्र होता है, तो इसका हम उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं, तो ये 1/2 और फिर 1/a, तो ये 1/a ये रूट 3/2 और फिर टेन इनवर्स x बाई ए, एक्स के स्थान पर है t प्लस 1/2 बाई ए और a के स्थान पर है रूट 3/2 प्लस सी। आगे सरल करेंगे तो ये 2 अंश में चला जाएगा, ये और 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास आएगा 1/√3 और फिर tan इनवर्स अंश में आपको मिल जाएगा 2t प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस सी, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यदि आप प्रतिस्थापित मान रखना चाहें tan x t के स्थान पर, तो हमें मिल जाएगा 1/√3 tan इनवर्स 2t, तो ये मिल जाएगा 2 tan x प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस सी, तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न दिया गया है 1/2 प्लस cos x माइनस sin x, तो पहले इसे हम सरल कर लेते हैं और फिर दिए गए फलन का हम समाकलन करेंगे। तो 2 इंटू 1 है तो उसमें हम 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं और उसी प्रकार
कॉस एक्स और साइन एक्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो माना कि आई इक्वल टू वन अपॉन टू प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन टू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू और माइनस साइन एक्स है तो साइन एक्स को हम लिख सकते हैं टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू। तो जैसा कि आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। अब हम कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू और साइन स्क्वायर एक्स बाय टू इन दोनों के गुणांकों को पहले कलेक्ट कर लेंगे। तो आगे में मिलेगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन थ्री कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाय टू का गुणा यहां पर टू से हुआ है तो ये टू हो गया और फिर ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू तो आपको मिल जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू और फिर माइनस टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू। तो इस प्रकार के प्रश्न आप सरल कर चुके हैं जहां पर हम हर में यदि कॉस स्क्वायर एक्स वाला पद है तो अंश और हर को हम उससे भाग दे देते हैं। यहां पर यदि हम अंश और हर को कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन अंश में मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स और हर में आपको मिल जाएगा थ्री प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू और फिर माइनस साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू। तो हमें लिखेंगे टेन ऑफ एक्स बाय टू। तो यहां पर हर में हमें एक पूर्ण वर्ग बनाना होगा और पूर्ण वर्ग के अंतर या योग के रूप में हमें लिखना होगा। तो यहां पर प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और लिखेंगे कि माना टेन ऑफ एक्स बाय टू इक्वल टू टी। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय टू और एक्स बाय टू का वन बाय टू फिर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहां से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ऑफ एक्स बाय टू डी एक्स इक्वल टू टू डी टी। तो आगे हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन टू डी टी अपॉन थ्री प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी। अब यदि आप हर में ध्यान दें तो यह है टी स्क्वायर माइनस टू टी तो इसमें प्लस वन अगर हम ऐड कर देंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो हमें एक को घटाना भी होगा। तो लिखेंगे टू अचर राशि है समाकलन चिन्ह के पहले आएगा तो टू इंटीग्रेशन साइन डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन और फिर प्लस थ्री माइनस वन। तो प्रथम तीन पद से पूर्ण वर्ग मिल रहा है टी माइनस वन का स्क्वायर और थ्री माइनस वन करेंगे तो मिल जाएगा टू। तो इस प्रकार इसे हम आगे लिखेंगे टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन टू और टू को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर। तो इस प्रकार के सूत्र आप पढ़ चुके हैं जहां पर हमने देखा था इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इस सूत्र का उपयोग करके सीधे हम इसका समाकलन लिख सकते हैं टू पहले से है फिर समाकलन करने पर मिल जाएगा वन अपॉन ए और ए के स्थान पर है वर्गमूल दो तो वन बाई रूट टू फिर टेन इनवर्स एक्स एक्स के स्थान पर है टी माइनस वन और ए के स्थान पर है रूट टू तो हमें मिल जाएगा टेन इनवर्स टी माइनस वन अपॉन रूट टू। और प्लस सी जहां पर सी समाकलन नियतांक है। तो अब हम t का जो प्रतिस्थापन किया था हमने वह मूल मान रख देते हैं तो मिल जाएगा ये रूट टू अपॉन रूट टू सॉल्व करने पर मिल जाएगा रूट टू देन टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ x बाई टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस सी। तो यहां पर c समाकलन नियतांक है तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था।
अगला प्रश्न दिया गया है, 1/13 + 3 cos x + 4 sin x, इस फलन का हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो पूर्व प्रश्न की भांति हम लिखेंगे कि माना i = (dx/13 + 3 cos x + 4 sin x)। तो में हमने देखा था कि जब sin x होता है तो उसको 2 sin x / 2 cos x / 2 लिखते हैं, और cos x होता है तो उसको cos²x/2 - sin²x/2 लिखते हैं, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसके साथ एक का गुणा है, तो एक के स्थान पर हम लिखते हैं sin²x/2 + cos²x/2। सूत्रों का उपयोग करके इनको थोड़ा सा परिवर्तन में लाएंगे, तो 13 × cos²x/2 + sin²x/2 + 3 × cos²x/2 - sin²x/2 और प्लस 4, तो 4 × 2 मिल जाएगा, और sin x/2 और cos x/2 जब सरल dx cos²x के गुणांकों को कलेक्ट करते हैं, 13 और 3 = 16 x/2। sin² के गुणांक को कलेक्ट करते हैं, ये है 13, इससे गुणा होगा 13 और इससे गुणा होगा -3, तो मिल जाएगा 10, धन 10 sin²x/2। अब ये जो पद है ये है 8 times sin x/2 cos x/2। जब भी यहां पर हमें cos²x/2 मिलता है तो अंश और हर को हम cos²x/2 आपको सरल करने पर मिल जाएगा sec²x/2 और फिर ये dx cos²x/2 cos²x/2 कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा, और यहां पर आपको मिल जाएगा tan²x/2 और फिर यहां पर आपको मिल जाएगा tan(x/2)। फिर से पिछले प्रश्न में जिस तरीके से हमने प्रतिस्थापन किया था कि माना tan(x/2) = t, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, मिल जाएगा sec²x/2 और x/2 का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1/2 और फिर ये dx = dt, तो sec²x/2 dx = मिल जाएगा 2 times। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं sec²x/2 dx = 2 dt। तो आगे हमें मिल जाएगा i = (∫sin)(2dt/16+10t²+8t). हर में और अंश में दोनों से हम 2 वैनिश निकालेंगे या कैंसिल हो जाएगा, और हर में जो राशि है उसको t के घातों के घटते हुए क्रम में लिखेंगे, तो हमें मिल जाएगा i = (∫sin)(dt/5t²+4t+8)। अब हम आगे यह कोशिश करते हैं कि टी स्क्वायर का जो गुणांक हो वह 1 हो, तो 1/5 को फलन से वैनिश निकालेंगे, तो मिल जाएगा i = (1/5)∫sin(dt/t²+4/5t+8/5)। अब हर में जो राशि है उसे हम पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे, और मिडिल टर्म जो है 4t/5, तो उसे हम लिखेंगे 2 × 2/5 × t। तो इससे यह क्लियर है कि a + b² = (a²+2ab+b²), अर्थात b का जो मान है वो है 2/5। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम 2/5 का वर्ग अर्थात 4/25 जोड़ेंगे और 4/25 घटा देंगे, तो इस प्रकार हमें मिलेगा i = (1/5)∫sin(dt/t²+2 × 2/5 × t+4/25 + 8/5 - 4/25)। तो हर में जो राशि है उसके प्रथम 3 पद से हमें मिल जाएगा t + 2/5² + तो इसे जब सॉल्व करेंगे 8/5 - 4/25 तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा 36/25, और 36/25 को हम लिख सकते हैं 6/5² और इस प्रकार के सूत्र आपने पढ़ा हुआ है जहाँ पर होता है
इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इस सूत्र का उपयोग करके हम इस फलन का समाकलन सीधे लिख सकते हैं। तो हमें आगे मिल जाएगा i इक्वल टू 1/5, देन 1/a है, a के स्थान पर है 6/5, तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 6/5, देन इंटू टेन इनवर्स x अपॉन a, x के स्थान पर है t प्लस 2/5, तो वहाँ पर हम लिखेंगे t प्लस 2/5 अपॉन a, और a के स्थान पर है 6/5। और चाहें तो हम प्लस c लिख सकते हैं, जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। अभी से आगे सरल करेंगे तो ये जो 5 है और हर में जो 5 है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आगे हमें मिल जाएगा 1/6 टेन इनवर्स, दोनों में हर को समान करेंगे तो मिल जाएगा 5t प्लस 2 अपॉन 6 प्लस सी। तो ये हमें मान प्राप्त हो चुका है, लेकिन हमें जो फलन दिया गया था वो x के पदों में था और ये जो फलन है ये हमें t के पदों में प्राप्त हो रहा है। तो हमने जो प्रतिस्थापन किया है उन मूल मानों को हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा i इक्वल टू 1/6 टेन इनवर्स 5 इंटू टेन ऑफ x बाई 2 प्लस 2 अपॉन 6 प्लस सी, जहाँ पर सी समाकलन नियतांक है। तो ये वह राशि है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था, अर्थात ये दिए गए फलन का समाकलन है।